सहायक अध्यापिका के साथ किया जा रहा है शोषण। सहायक अध्यापिका ने वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पर वायरल। जनपद अमरोहा के विकासखंड गजरौला के प्राथमिक विद्यालय गजरौला प्रथम में एक सहायक अध्यापिका का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां वायरल वीडियो में सहायक अध्यापिका ने खुदकुशी करने की बात कही है। जहां स्कूल में स्टाफ के द्वारा किए जा रहे शोषण के तंग आकर सहायक अध्यापिका ने अपने दर्द भरे आंसू में अपने आप को मौत के घाट उतारने की बात कही है। हालांकि इस वीडियो को गंभीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी को आरोपी शिक्षा मित्र के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला विकासखंड गजरौला क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गजरौला प्रथम का है, जहां सहायक अध्यापिका के पद पर उमा देवी तैनात है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा मित्र के पद पर रिंकी चौधरी है। सहायक अध्यापिका उमा देवी का आरोप है कि रिंकी चौधरी उनके साथ जातिवाद भेदभाव करती है। हालांकि यह एक दिन का रवैया नहीं बल्कि रोजाना का है, जहां शिक्षा मित्र रिंकी चौधरी सहायक अध्यापिका उमा देवी से झड़प करती रहती है। हालांकि वही बीते शुक्रवार को सहायक अध्यापिका उमा देवी और शिक्षा मित्र रिंकी चौधरी दोनों का आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। हालांकि देखते ही देखते रिंकी चौधरी सहायक अध्यापिका से झगड़ा करने लगी। इस दौरान रिंकी चौधरी ने सहायक अध्यापिका उमा देवी से गाली गलौज कर जाति सूचक शब्द भी कहे और इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। हालांकि इसके बाद स्कूल के स्टाफ सहित खंड शिक्षा अधिकारी आरती ने आरोपी शिक्षा मित्र पर कार्यवाही करने की बजाय मामले को समझौते में रफा दफा कर दिया, जिसके बाद शनिवार को दोपहर के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस मामले का पता लगा तो उन्होंने भी इस मामले से दरकिनारा कर लिया। और जब संवाददाता ने इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मोनिका से कार्यालय पहुंचकर पूछताछ करने की कोशिश की तो उन्होंने मीटिंग का हवाला देते हुए मामले से पल्ला झाड़ दिया। वहीं शनिवार को सहायक अध्यापिका उमा देवी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की है और वीडियो में सहायक अध्यापिका की आंखों से दर्द के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आंसुओं से लगता है कि अध्यापिका का काफी लंबे समय से स्कूल में शोषण किया जा रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी अनजान बने हुए हैं। हालांकि उनके साथ जो घटना घटित हुई है वो उस घटना को भुला नहीं पा रही है। इसी के साथ सहायक अध्यापिका ने वीडियो में ये भी कहा है कि उनको जाति सूचक शब्द भी बोले गए। हालांकि सहायक अध्यापिका ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर रही है। हालांकि वीडियो में उन्होंने अपने आप को मौत के घाट उतारने की बात कही है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र के संज्ञान में आई तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी और साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी को इस मामले में आरोपी शिक्षा मित्र के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। हालांकि आगे देखने वाली बात ये होगी कि जिले की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मोनिका ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही करती है। सभी सम्मानित साथियों से मेरा आज जोर से निवेदन है, मैं आप सबके समक्ष अपने साथ ही आप बीती हूँ घटना बताना चाहती हूँ। मैं उमा देवी उच्च प्राथमिक विद्यालय गजरौला की सहायक अध्यापिका हूँ। कल मेरे साथ रिंकी चौधरी जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने मारपीट की है, हाथापाई की है और मुझे जाति सूचक शब्द बोले हैं। उन्होंने जब मेरे साथ मारपीट की है उसके बाद उन्होंने मुझे ये बोला, जब तुझे तेरी औकात दिखा दी, जो तुझे करना है वो कर ले और तू एक चमारी है, जाटने ने तुझे तेरी औकात दिखा दी। हालांकि मैं सबके कहने से कल मैंने फैसला कर लिया है, लेकिन अगर मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ और अगर रात को सो भी रही हूँ तो मेरे कानों में वैसे आवाज़ें गूंज रही है जिससे मेरी मर्यादा को काफ़ी ठेस मिल रही है। मैं अपनी हिम्मत इतनी नहीं जुटा पा रही हूँ जिन बच्चों के सामने मेरे साथ यह सब हुआ है, मैं कभी जिंदगी में उन बच्चों के सामना कर पाऊंगी या नहीं। क्या मैंने इसीलिए एक शिक्षक की पढ़ाई की थी कि यह सब मेरे साथ होगा? मैंने ये कभी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं किया था कि यह सब होगा और मैं कभी चाहूंगी भी नहीं कभी किसी और शिक्षक साथी के साथ ऐसा हो। जिसके साथ ऐसा होता सिर्फ वो ही समझ सकता है कि उसके दिल पर क्या बीत रही है और दूसरा कोई नहीं समझ सकता।
मेरे साथ काफ़ी समय से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन पहले बात आता भाई तक कभी नहीं आ पाई, इसलिए स्कूल की बात स्कूल में रही। और कल भी मैंने काफ़ी कोशिश की कि ये बात बाहर ना जाए, लेकिन मैं अपने आप को नॉर्मल नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे लग रहा है मेरा घर परिवार, मेरा दिमाग सब असंतुलित हो चुका है और मेरा सम्मान खत्म हो चुका है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और इस तरह के जीने से कहीं ज्यादा अच्छा मैं मरना पसंद कर रही हूँ, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ।